संस्कृति विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के रेडियो वॉइस ऑफ डीएसवीवी देववाणी के सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रद्धेय की कक्षा से। शारदीय नवरात्रि की इस पावन घड़ी में श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में सभी विद्यार्थियों एवं आचार्यगणों के मध्य संचालित विशेष कक्षा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठम तिथि, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। माँ सफलता और यश का प्रतीक है। माँ की भक्ति करते रहने के संकल्प के साथ शांति कुंज के संगीत विभाग द्वारा एक प्रज्ञा गीत प्रस्तुत किया गया, जिसके बोल है, हृदय से लगा लो, हृदय से लगा लो या चल हटा लो, मगर भक्ति माँ तेरी करते रहेंगे। हृदय से लगा लो या चल हटा लो, मगर भक्ति माँ तेरी करते रहेंगे। हृदय से लगा लो या चल हटा लो। गहन वेदना से दुखी सारी दुनिया जगत के अंधेरे मिटाने चले हैं। गहन वेदना से दुखी सारी दुनिया जगत के अंधेरे मिटाने चले हैं। तुम्हारी कृपा की किरण के सहारे अमित ज्ञान दीपक जलाने चले हैं। तुम्हारी कृपा की किरण के सहारे अमित ज्ञान दीपक जलाने चले हैं। अगर मिल गया माँ तुम्हारा सहारा, अगर मिल गया माँ तुम्हारा सहारा, तो सचमुच ये व्रत पूर्ण करके रहेंगे। तो सचमुच ये व्रत पूर्ण करके रहेंगे। हृदय से लगा लो या चल हटा लो। नवरात्रि के छठवें दिन की कक्षा में श्रद्धेय ने श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 15वें श्लोक का वर्णन किया। युञ्जन नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणं परमां मत्संस्थां धिगच्छति। वो मेरी संस्था में प्रवेश कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ है, ये हमारी कक्षा में वही प्रवेश कर सकता है जिसने यहाँ एंट्री ली हो या जिसने पास किया हो इंटरव्यू। इसी तरह से भगवान भी कह रहे हैं मेरी कक्षा में पास करने के लिए ज़रूरी है। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया गारंटी दे रहे हैं। मुझ में मन लगाने वाला उस शांति को प्राप्त होगा जिसके लिए आप बैठे हैं। निरंतरता शब्द हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शब्द सतत, अविराम और बिना किसी रुकावट के कार्य करने की स्थिति को दर्शाता है। इसकी व्याख्या करते हुए श्रद्धेय बताते हैं कि निरंतर कैसे होगी, साफ है सीधी बात, एक सब निराश हो जाए। और जो भी निरंतर इसके इस अर्थ को निरंतर का जो अर्थ समझेगा, कंटिन्यूटी ऑफ रिमेम्बरिंग गॉड इन अवर ईच एंड एवरी ब्रेथ। हमारी हर श्वास में हम परमात्मा को याद रखें। योग प्रक्रिया है, योग मार्ग है। योग हमारे कार्यों को शुद्ध और हमारे मन को नियंत्रित करता है तथा साधक को भक्ति के साथ सर्वोच्चता से जोड़ता है। योग प्रक्रिया के बारे में बताते हुए श्रद्धेय ने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव ने 1950-55 में एक किताब लिखी थी, योग के दो खंड, योग कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश करें। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप योग करिए, पर योग करने के साथ साथ आप उसको जीवन में उतारिए। तप और जीवन में अनवरत योग की धारा बहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। श्रद्धेय ने कबीर के दोहे की व्याख्या की,
साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर के घर कभी खाना होता नहीं था तो गाते थे, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो कबीर के पास इतना धन साधन नहीं था कि उसका भरपेट खाना हो पाता था, उनका कुटुंब भी इतना बड़ा नहीं था, एक बेटा है पत्नी और वो, फिर भी उनके लिए खाने को पर्याप्त अन्न नहीं था। उस पर से साधु आ जाते थे, भाई कबीरदास जी के पास चलेंगे, कबीरदास जी के पास। तो वो जो आते थे लोग बाग, साधुगण आ गए तो कबीर बड़े प्यार से उन्हें खिलाते थे, अपना सारा भोजन उनको कराते थे, खाना मिले या ना मिले लेकिन साधुओं को खाना खिलाते थे। श्रद्धेय ने मीराबाई की भक्ति भाव का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि मीरा भक्तिमती थी, भक्ति भक्तिवान, भक्ति में विभोर, कृष्ण के प्रेम में विभोर। कभी तरंग आती तो नाचने लगती, मैंने गिरधर लीनो मोल लियो तराजू तोल, मैंने तराजू में तोल करके गिरधर को मोल खरीद लिया। मीरा कोई विद्वान तो नहीं थी, मीरा तो प्रेम दीवानी थी, उनके गुरु थे रैदास, रैदास को उन्होंने अपना गुरु मान लिया था, रैदास बनारस में और मीरा राजस्थान में। एक बार गा रही थी रैदास, उधर से निकली तो देखा कुछ बात तो है इसमें, ये जीवात्मा जो है प्रेम से भरी हुई है, भक्ति से भरी हुई है, इसके मन में श्री कृष्ण का प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है, भक्ति भरी हुई है। एक तारा बजा रहे थे, एक तारा उन्होंने मीरा को दे दिया, तो बहुत अच्छा गाती है, तेरे हृदय में बड़ा प्रेम है, एक तारा बजा कर गाया कर। तो उसने एक तारा रख लिया और तेरे हृदय में बड़ा प्रेम, एक तारा बजा कर, ये तो महाराज आपका है, नहीं मैं तो यूँ ही गा लूँगा। आइए सुनते हैं श्रद्धेय की विशेष कक्षा से विद्यार्थियों को मिली प्रेरणा। प्रणाम, मैं प्रखर भदौरिया पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज की श्रद्धेय की कक्षा से मैंने यह सीखा कि योग हमारे जीवन में स्थिरता लाता है और हमारे मन को नियंत्रित करने में सहायता करता है। शांत मन और स्थिर जीवन व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर ले जाता है। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में विभोर थी, इसी कारण मीराबाई की स्मरण शक्ति से भगवान को स्वयं उनके पास आना पड़ा। आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही, आपसे जल्द मिलते हैं देववाणी के विशेष कार्यक्रम श्रद्धेय की कक्षा से के अगले भाग में, जिसे आप सुन सकते हैं DSVB TV के YouTube चैनल पर। यदि आप इस पूरी कक्षा को देखना और सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में सर्च करें शांति कुंज वीडियोज YouTube चैनल। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें। इस कार्यक्रम के लिए शोध किया प्रियंका ने, आलेख तैयार किया गायत्री, आंचल और ज्योति ने, तकनीकी सहयोग किया आशीष और रीना ने, तथा आपके लिए इसे प्रस्तुत किया आशिता और रीना ने। माँ दुर्गा हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, इसी कामना के साथ अब हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए वॉइस ऑफ DSVV देववाणी। प्रणाम।